नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी के विभिन्न इलाकों पर भारी मौसम में बदलाव, भारी बरसात और बिजली चमकेगी तो कई इलाकों पर उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। तो अगर आप भी जबलपुर, कटनी, भोपाल, सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद समेत किसी भी जिले, गांव, शहर में रहते पूरे मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव, शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न इलाकों पर मौसम में बदलाव के साथ 28 जिलों भारी बरसात होते जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल और बुरहानपुर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया। यहां पर अति भारी बरसात हो सकती है, 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा बरसात होने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो बरसात के कारण 3 सिस्टम एक्टिव है और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 28 जिलों में भारी बरसात हो सकती है और प्रदेश में अब तक कुल 16% से ज्यादा बरसात हो चुकी है। 18 जुलाई से दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसकी वजह से 26 जुलाई तक भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। अति भारी बरसात नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, गुना, श्योपुर और सागर में यहाँ पर 24 घंटे में 8 इंच तक बरसात होने का अनुमान है। और मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर बुरहानपुर और बैतूल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ में बारिश से दोस्तों जो है भारी बरसात भोपाल, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, दमोह और निवाड़ी में 8.5 इंच तक जो भारी बरस सकता है। हल्की बरसात की बात करें तो बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, निमच, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, कटनी और मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में भारी मौसम में बदलाव के साथ हल्की बरसात होगी। और भारी बारिश और वज्रपात की बात करें तो विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी, इसी दौरान 24 घंटे के भीतर 4 इंच तक बरसात हो सकती है और मौसम में बदलाव और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। वही दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर अनेक इलाकों पर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक आया है तो कुछ इलाकों पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग की माने तो मानसून अपडेट में बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हमें जबलपुर में पूरे 7 दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, कटनी में शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, भोपाल में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहां पर सीधी में पूरे 7 दिन बादलों की वजह से बरसात होगी, बड़वानी में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, मौसम में परिवर्तन होगा, ग्वालियर में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। साथ में मौसम विभाग की माने तो यहां पर खंडवा में भी मौसम में बदलाव है, धार में पूरे 7 दिन भारी बरसात हो सकती है, उज्जैन में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है, हरदा में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, इंदौर में पूरे 7 दिन अच्छी खासी बरसात होगी, 30 के नीचे तापमान रहेगा, भारी बरसात के साथ बिजली चमकेगी। वही दोस्तों, यहां पर शिवपुरी में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, मंदसौर में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी, मौसम में परिवर्तन होगा, रायसेन में पूरे 7 दिन भारी बरसात होगी, बिजली चमकेगी, मौसम में परिवर्तन होगा, शाजापुर में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसाती गतिविधियां जारी रहेगी, विदिशा में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, श्योपुर में पूरे 7 दिन अच्छी खासी बरसात और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है, अशोकनगर में 4 से 5 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, यहां पर सतना में 3 से 4 दिन बादल, शुक्रवार से छिटपुट के साथ अच्छी बरसात होगी, गुना में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, खंडवा में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है और बरसाती गतिविधियां जारी रहेगी। वही दोस्तों, डिंडोरी में 2 दिन छिटपुट, गुरुवार शुक्रवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है और भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। होशंगाबाद में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। सिंगरौली की बात करें तो 4 दिन बादल, शनिवार से बरसात होगी, उमरिया में 4 दिन छिटपुट और शनिवार रविवार से भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। रतलाम, राजगढ़, देवास, छतरपुर समेत पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। तो यह था एमपी का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।